Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to proceed to chapter 22, जिसमें हम subjects verb agreement के बारे में पढ़ रहे थे. इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारा subject singular है, उस case में हमारी verb भी singular होती है. Subject plural है, उस case में हमारी verb भी plural use होती है. अब subject आपका noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकता है. अगर pronoun की बात की जाए तो हम तीन टाइप के पर्सन की बात की है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हमारा आई आया, सेकंड में हमारा यू आया और थर्ड में हमारा ही, शी और इट आया. अगर बात की जाए आई के साथ आपकी हमेशा बहुत यूज हो जाती है प्लूरल वर्ब. कैसी वर्ब होती है आपकी? आई के साथ आपकी प्लूरल वर्ब होती है. यू के साथ भी आपकी प्लूरल वर्ब होती है, लेकिन ही शी के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है. ठीक है, इस चीज को याद रखें. अब आई का प्लूरल वी होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब होगी. यू के साथ प्लूरल होती है. ही शी सिंगुलर है, लेकिन अगर उनका प्लूरल देखा जाए तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? दे होगा. तो जब ये प्लूरल होगा तो उसके साथ भी जो वर्ब होगी प्लूरल यूज की जाती है. इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको देखते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली. राज इज 11 इयर्स ओल्ड. सबसे पहला है राज इज 11 इयर्स ओल्ड, दूसरा पहला है ज्यादा दैट इज काउंटेड. हमें इसमें सब्जेक्ट वर्ब वर्ब एग्रीमेंट की बात करना है. सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब की तरह बात करते हैं. इज ये हमारा वर्ब है, वर्ब भी हमारा ये हमारा वर्ब है. अगर बात की जाए ये भी हमारा क्या है? सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है. राज एक पर्सन है, एक इंसान है, उसके साथ जब सिंगुलर है वो भी हमारी क्या यूज की गई है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है. सेकंड सेंटेंस को देखा जाए हिमालयास. यहाँ पर हिमालयास देख सकते हैं क्या है? सब्जेक्ट है जो इस केस में यूज की गई है, प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है. तो जब सब्जेक्ट हमारी प्लूरल होगी तो यहाँ पर जो वर्ब हमारी है ये भी हमारी क्या हो गई? प्लूरल यूज की गई. तो यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस को देखे द वेदर. वेदर वेदर सिंगुलर है, इस वजह से वाज का यूज किया गया है. याद रखिएगा वाज आपका सिंगुलर है और वर आपका ये प्लूरल है. अगर ना बताओ तो इसे नोट डाउन भी करते हुए चल सकते हैं. वाज आपका सिंगुलर है, वर प्लूरल है, क्योंकि वेदर सिंगुलर है, इस वजह से वाज का यूज किया गया है. इसी तरीके से हमारी अगली जो सब्जेक्ट है वो है अर्थ. अर्थ अर्थ सिंगुलर है, एक है. इस वजह से जो वर्ब हमारी यूज की गई यहाँ पर ग्रोज यूज की गई. याद रखिए अगर ग्रोज और ग्रो की बात की जाए तो ग्रोज आपकी सिंगुलर होती है और वो आपकी प्लूरल होती है. ये हम इससे पहले वाली क्लास में सीखे थे. जिस वर्ब में आपका यस या यस लगा होता है वो सिंगुलर होती है और जिस वर्ब से आप जैसे यस को हटा देते हैं वो आपकी प्लूरल मान जाती है. ये ठीक नाउन के अपोजिट है. देखिए नाउन जो है उसके भी आप सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं. इसी तरीके से वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं, लेकिन दोनों के सिंगुलर और प्लूरल जो है बनाने के तरीके बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है. इसमें यस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन इसमें यस या यस लगाने
कंफ्यूजन होता है कैसे एक में यस एलएस लगा है प्लूरल हो गई है कैसे एक में यस एलएस लगा है सिंगुलर। तो जब प्रोनाउन होगी तो यस लगाने से वो प्लूरल में चले जाएगा लेकिन वर्ब है यस एलएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाएगा। इस वजह से बात सिंगुलर है तो उसका यूज किया गया है। पपिज प्लूरल है तो इस वजह से क्या गो का यूज किया गया क्योंकि पपिज प्लूरल है इस वजह से गो भी हमारा क्या है प्लूरल है। दिस हमारा सिंगुलर है याद रखिएगा दिस सिंगुलर है लेकिन दैट हमारा प्लूरल है। इसी तरीके से सॉरी दिस भी सिंगुलर है और दैट भी हमारा सिंगुलर है लेकिन दोज आपका प्लूरल है। शी अभी हम सीखे हैं थर्ड पर्सन है ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी दे हमारा प्लूरल है तो जैसे प्लूरल वर्ब का इसमें और एक एग्जांपल जैसे इसमें हैज आपकी ये भी क्या है सिंगुलर है। इसी तरीके से इज आपका ये भी आपका सिंगुलर है इसमें आपका हैव ये आपका प्लूरल है। इसी तरीके से आपका आर ये भी आपका प्लूरल है तो ये चीज आप देख लीजिए। इसमें एक और चीज देख लीजिए ये जो गोज है ये हो गई आपकी नाम या प्रोनाउन हो गए क्या हो गए नाम हो या प्रोनाउन लेकिन आपके वर्ब जो है इसमें अगले भी आपके अनकाउंटेबल नाउंस कंप्राइजिंग सेवरल आइटम। अब देखिए इसमें आपके कुछ ऐसे नाउन दिए गए हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते तो ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते उन्हीं नामों को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है लगेज बैगेज फर्नीचर ये सारे क्या है ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि कभी भी इन सारे वर्ड्स को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे इसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं सेकेंड में है बैगेज ये भी हमारा सिंगुलर होता है इस वजह से पास का यूज किया गया है। फर्नीचर को भी हम सिंगुलर मानते हैं मशीनरी को भी हम सिंगुलर ही मानते हैं तो ये ऐसे कुछ नाम है जिनको हमेशा सिंगुलर ट्रेड किया जाता है। इसके बाद आपके कुछ ऐसे नाउंस हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन हकीकत में वो सिंगुलर होते हैं। देखें अगर जैसे इसमें दिखा हुआ है बुक में आते हैं पेज नंबर 98 पर एग्जांपल है मीजल्स इज अ सीरियस डिजीज। यहाँ पर मीजल्स जो है वो एक बीमारी का नाम है जो खसरा वाली बीमारी होती है उसी को मीजल्स कहते हैं। यहाँ पर अगर इसमें देखें तो लास्ट में क्या लगा हुआ है एस लगा हुआ है लास्ट में क्या लगा हुआ है एस लगा हुआ है ये ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल है लेकिन ये प्लूरल है लेकिन इसे हम क्या मानते हैं सिंगुलर क्योंकि ये एक बीमारी है जब एक बीमारी है तो एक बीमारी को हम क्या कहते हैं सिंगुलर ही कहेंगे। इसी तरीके से पॉलिटिक्स इसके लास्ट में भी ऐसा लगा होगा ये भी लग रहा है प्लूरल लेकिन ये है क्या सिंगुलर क्योंकि इसकी मीनिंग क्या होती है राजनीति। एथलेटिक्स ये भी आपका दिखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या सिंगुलर इस वजह से इनके साथ हमेशा क्या यूज होगी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। गुड न्यूज याद रखिए न्यूज को भी कभी आप काउंट नहीं कर सकते न्यूज भी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है रिसर्च अनकाउंटेबल नाउन है एथलेटिक्स अनकाउंटेबल नाउन पॉलिटिक्स अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है कि जब इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये रही अनकाउंटेबल नाउन की बात तो हम सीखें अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है।
अगली हेडिंग हमारी है टू और मोर नाउन जॉइंड बाय एंड। अब इसमें देखेंगे कुछ ऐसे नाउन जो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे और वो जुड़ेंगे किससे एंड। जैसे पहले एग्जांपल इसमें देखते हैं राज एंड प्रिया, क्या है तरीके से है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, इसमें भी दो चीजें हैं, फल की बात हो रही है और सब्जियों की बात हो रही है। नूडल्स एंड फ्राइड राइस, इसमें भी देखिए दो चीज, नूडल्स एक है और दूसरी क्या है फ्राइड राइस। इन सब में हम देख रहे हैं दो नाउन यूज किए गए, दो नाउन में दो से ज्यादा नाउन यूज किए गए और साथ में इन्हें ऐड कर रहे हैं इससे एंड से। तो जब ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें आठवां सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 8 इंडिया चाइना पाकिस्तान, इसमें आपके तीन नाउन का यूज किया गया है। तो ये भी क्या ट्रीट किए जाएंगे, प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। ये रही दो नाउन को जोड़ने की बात। अब आगे है, कभी कभी आपको दो ऐसे नाउन मिलेंगे जो एड से जुड़े होते हैं लेकिन जब उनकी मीनिंग निकाली जाती है तो हमें केवल एक ही आइडिया देते हैं और जब एक ही आइडिया देते हैं तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एक लग रहा है ऑर्डर एक है, दिखने में तो दो लग रहे हैं लेकिन जब इनकी इनकी मीनिंग निकाली जाएगी तो हमें केवल एक ही आइडिया देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून, केवल एक ही बात हो रही है। इस वजह से इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें। जैसे दूसरा एग्जांपल है राइज एंड कैरी, राइज एंड कैरी की बात हो रही है, यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बनेंगे, एक ही तो डिश बनेगा। इस वजह से ये हमें मीनिंग क्या दे रहे हैं, एक ही मीनिंग दे रहे हैं लेकिन दिखने में कैसे लग रहे हैं, दो लग रहे हैं, जब मीनिंग एक ही देंगे। इस वजह से इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जब ऊपर जो थे उनमें मीनिंग हम कितनी दे रहे हैं, दो की आइडिया दे रहे हैं, एक राज की आइडिया दे रहे हैं, इस वजह से इनके साथ हम सिंगुलर का यूज कर रहे हैं। लेकिन इस केस में जो है ये इसी पैटर्न में लग रहे हैं लेकिन जब उनके आइडियाज की तरफ आएंगे तो केवल हमें एक ही आइडिया, लॉ एंड ऑर्डर आपके एक साथ होता है नियम कानून के लिए, लॉ एंड ऑर्डर। इस वजह से इनके साथ सिंगुलर यूज किया जाए, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो क्लास वन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है।